अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2.5 से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमारे पास हम बेटा डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2.5। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्लो डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। अब इसमें बेटा ये बताया जा रहा है कि आपने एक कार के अंदर जो प्रोड्यूस होने वाला रिटार्डेशन फाइंड करना है। रिटार्डेशन मीन आपने उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। अब इसमें बेटा बताया जा रहा है कि आपने एक कार की रिटार्डेशन आपने फाइंड करना है, उसकी वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकंड से कम होती होती कितनी हो जाती है, 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब 13 मीटर पर सेकंड से वो कार जो है वो 5 सेकंड के अंदर जो कम हुई है उसकी वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई है, 15 मीटर पर सेकेंड। अब गिवन डाटा के अंदर कार की जो चलती हुई स्पीड जो है, चलती हुई कार की जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकंड। स्लो डाउन मतलब कि कम होती होती उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, 15 मीटर पर सेकंड। अब उसी में हम डिस्कस करते हैं गिवन डाटा के अंदर एक कार मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी है बोला 30 मीटर पर सेकेंड। स्लो डाउन मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। अब स्लो डाउन होने के लिए उसको जो टाइम रिक्वायर्ड था वो 5 सेकेंड था। हमने फाइंड करना है बेटा रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो उसको हमने स्मॉल ए के साथ ही रिप्रेजेंट करना है। एक्सेलरेशन के लिए बेटा ये है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ माइनस वी आई ओवर टी मीन फाइनल वेलोसिटी बेटा हमारे पास कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी उसमें यहाँ मतलब कि स्लो डाउन होती होती वो कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 माइनस मतलब माइनस 30 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5। माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें बेटा ये चीज़ है कि रिटार्डेशन जब हम फाइंड करते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन अब उसको हम देखेंगे तो डी एक्सेलरेशन के वक्त हम क्या करेंगे इसको मतलब कि, तो सो द रिटार्डेशन इसका क्या होगा, सो द रिटार्डेशन विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस तरह नेगेटिव एक्सेलरेशन में आ रही है लेकिन रिटार्डेशन जब आप दिखाएंगे वो आपके पास कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्सेस, इसमें पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ, या ग्राफ के बारे में आप क्या जानते हैं। ग्राफ बेसिकली बेटा हम किसी भी चीज़ को हम डेली लाइफ के अंदर जिस भी किस्म की चीज़ों को हम क्लैरिफाई करने के लिए, उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। मतलब हमारे पास एक ईयर वाइज, ग्रोथ वाइज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मंथ वाइज, या रिकॉर्ड या पेशेंट, फॉर एग्जांपल जितना भी एक हॉस्पिटल के अंदर एक साल के अंदर कितने पेशेंट एडमिट हुए, उनकी रेशो क्या थी, कितने लोग मतलब कि उसमें से जो सेहत याब हो जाएंगे और कितने मतलब कि अभी तक एडमिट हैं, या डेथ रेशो क्या है, ये ईच एंड एवरी थिंग जो है वो हम ग्राफ के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें बेटा ये चीज़ है कि ग्राफ बेसिकली हमें किसी भी चीज़ की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताती है कि उसको आपने ग्राफिकली आपने कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनके दरमियान हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ है, द क्वान्टिटीज दैट बिटवीन विच इज ग्राफ प्लॉटेड इज कॉल्ड वेरिएबल। द हम सिंपली ये भी कह सकते हैं दोज फिजिकल क्वान्टिटीज विच आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब कि वो फिजिकल क्वान्टिटीज जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। एंड दोज क्वान्टिटीज विच डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। मतलब कि वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज जिसको हम फिक्स रखते हैं, जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते, उसको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ये भी बेटा, इसको भी आप हाईलाइट करेंगे पेज नंबर 40 पे, वन ऑफ द क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिपेंडेंट एंड वन ऑफ द कॉल इज इंडिपेंडेंट। मीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अंदर बेटा क्या चीज़ है
कि अगर एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब कि दो क्वांटिटीज है, एक एक्स है एक वाई है, एक्स का वाई के ऊपर डिपेंड करना वो आपके पास क्या है, डिपेंडेंट। मतलब कि अगर एक क्वांटिटी अगर दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो अकेली ही लाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ को बेटा हम डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स को या उसकी वैल्यूज़ को या स्पीड को या मतलब कि उसके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अगर आप देखें कि अगर एक बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, तो उसको कंटिन्यूस फॉर्म में रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि एक बॉडी ने कितना टाइम को यूटिलाइज करके, उसने कितने डिस्टेंस को यूज़ करके, कितनी जगह से उसने कहाँ तक का उसने फासला तय किया है। इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ। द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इज स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली इफ द मोशन इज स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी इज आल्सो यूज्ड इंटरचेंजेबली। इसमें बेटा सिंपली ये बताया जा रहा है कि अगर आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या एक्स या वाई एक्सिस अगर आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते हो, डिस्टेंस या आप डिस्प्लेसमेंट का आप इंटरचेंजेबल करना चाह रहे हो, वेलोसिटी या स्पीड को आप इंटरचेंजेबल करना चाह रहे हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, पेज नंबर 40 पे ही एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है कि हमारे पास कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। अब इसमें हम उसको टू मतलब कि इसमें इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो हम दो तरह करते हैं कि समटाइम जो बॉडी जो है वो किस तरह मूव करती है, समटाइम जो है किस तरह मूव करती है। तो कैन अ बॉडी मूविंग हैव एक्सेलरेशन, मतलब कि एक चलती हुई बॉडी क्या वो कहता है कि एक्सेलरेशन रखती है या नहीं रखती, उसके लिए हम क्या करते हैं, पेज नंबर बेटा 40 पे लास्ट में देखें, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी द कॉन्स्टेंट इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई भी बॉडी जो है वो कांस्टेंट कब होती है, जब उसकी जो डिस्टेंस जितना उसने कवर किया उसका टाइम का इंटरवल क्या है, इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली ये जेस के अंदर हम इसका आंसर देते हैं कि नो में हम बताएंगे कि नो ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड व्हेन अ ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। तो दोनों तरह बेटा ये आप बयान करेंगे कि हमारे पास अगर एक बॉडी आपके पास मोशन में है, आपके पास एक बॉडी रेस्ट में है, एक बॉडी कांस्टेंट में है, एक बॉडी वेरिएबल में है, तो दोनों टर्म के अंदर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा हमारा पेज नंबर 44 पे एग्जांपल नंबर, ये देखेंगे आप खुद इसको, एग्जांपल नंबर 2.8, 2.7, 2.9, इसमें लाइट सा ही एक्सप्लेन किया गया, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप उसको आप रीड करेंगे। पेज नंबर 44 पे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशंस के अंदर बेटा हमारे पास पेपर के अंदर, बोर्ड के अंदर हर साल ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। हमारे पास सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस की जो टाइप्स हैं वो तीन हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम ध्यान करेंगे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लिखेंगे वी एफ, या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं प्रूव डैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सिमिलरली अगर हम इसको बयान करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, प्रूव डैट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिमिलरली बेटा थर्ड इक्वेशन को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रूव डैट 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ही हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा सेकंड और थर्ड इक्वेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर बेटा ये सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या सबसे पहले शॉर्ट में भी अगर आप देखें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर जब लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इस तरह है कि एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ मोशन, या एक्सप्लेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या प्रूव डैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें बेटा क्या चीज़ है कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर
हम ये बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली है क्या। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास हम स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको हमने मेजर करना है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने के लिए हम उसके दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। रेक्टेंगल में बेटा हमारे पास क्या है, आपके पास उसके हम पार्ट्स को मेंशन कर देंगे, हमारे पास ये स्पीड है मतलब कि एक बॉडी जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, हम उसके लिए क्या करेंगे उसके पॉइंट्स मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से बॉडी मूव करके एक से दूसरे पॉइंट तक गई, ठीक है, फिर उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और उसकी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया और कितना टाइम उसने यूटिलाइज किया। फिर हम क्या करेंगे बेटा कि हमने बताना है कि हमारे पास एक बॉडी जीरो से ए पॉइंट तक गई, जीरो से ए पॉइंट जाने के लिए हम इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास की क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास बॉडी जो है वो ए से बी तक जब गई है तो एक बॉडी जो है वो अपनी स्पीड को कंटिन्यू रख रही है, तो स्पीड की वजह से चेंज होने की वजह से उस बॉडी में क्या हो रहा है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो इस बॉडी का अगर हम देखें, इन दोनों का हम अलग अलग एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब ट्रायंगल को हम अलग मेंशन करेंगे, रेक्टेंगल को बेटा हम अलग मेंशन करेंगे। अब ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास का क्या टाइम है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं टाइम, ठीक है, और ये इसका हाफ डिस्टेंस है जिसको हम क्या मेंशन करते हैं कि ये इसका हाफ टाइम है, और इसका एक्सेलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या वाला at है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेटा कि इसमें सबसे पहले डिटेल के अंदर फर्ज कर लिया हमने कि हमारे पास फर्ज कर लिया कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी, द मोशन ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी एक्सेलरेशन ए। अब इसमें बेटा ये बताया जा रहा है, फर्ज कर लिया कि हमारे पास एक बॉडी जिसने चलना शुरू किया, चलते वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी का नाम लिया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है मतलब वी आई, एक स्ट्रेट पाथ एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करके वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है और उसकी वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी बेटा क्या हो जाती है, कुछ देर के बाद वो वेलोसिटी वी आई किस में चेंज हो जाएगी, वी एफ के अंदर चेंज हो जाएगी। देन द मोशन ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब द स्पीड टाइम ग्राफ, तो हम इस तरह किसी भी बॉडी की मोशन ऑफ स्पीड को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, हम सबसे पहले इसकी स्लोप ऑफ लाइन को भी बयान करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी जो है ए से बी तक, इसको हम बयान करें कि इसकी क्या मतलब स्लोप ऑफ लाइन है। स्लोप ऑफ लाइन इसके टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट मीन बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमने फार्मूला पढ़ा था कि टैन थीटा बेसिकली क्या होता है, टैन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। हम उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी जो जिसने चलना स्टार्ट किया उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने के लिए उसने कितना टाइम लिया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हम उसके लिए सबसे पहले उसकी स्लोप लाइन लेते हैं। स्लोप लाइन के लिए बेटा क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी मतलब कि ए से बी तक हम इसको क्या नाम दे रहे हैं स्लोप लाइन। स्लोप लाइन हमारे पास क्या बोला ए, हम इसको नाम दे रहे हैं स्लोप लाइन। बेटा हमने मैंने आपको बताया टेंजेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इसका बेटा क्या है, ये परपेंडिकुलर मतलब कि ये वाला पार्ट हम ट्रायंगल को ले रहे हैं, बी सी इज द परपेंडिकुलर एंड ए सी इज द बेस। अब इसी को बेटा हम देखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड बी सी क्या बोला कि ये इसकी गेन स्पीड है कि कितनी स्पीड उसने गेन की है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि जो बी सी है, बी सी बेसिकली इसका टोटल डिस्टेंस हम जहाँ निकालेंगे, एक बॉडी ने जीरो से ए तक, फिर ए से बी तक, फिर बी से डी तक, टोटल उसने कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया है। तो बी से डी तक के हमने इसकी वेलोसिटी को बेटा हमने नाम दे दिया वी एफ, फिर बी से सी तक जिसकी हम वेलोसिटी को नाम दे रहे हैं वी आई, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि इसकी जो हमारे पास जो रुक रुक कर जो गाड़ी जो है वो ट्रैवल जो कर रही है उसको हम नाम दे रहे हैं बी से डी तक का जो उसका वेलोसिटी है वो क्या वी एफ है। तो बी से बेटा बेसिकली इसका क्या टोटल उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी आ रही है, उसमें चेंज कितना आ रहा है, वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
बी से सी तक के डिस्टेंस को बेटा हम क्या करेंगे, हम इसके टोटल डिस्टेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस का बी से डी तक है, ठीक है, उसमें से हम बी सी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाला, बी डी माइनस सी डी, मतलब टोटल हमारे पास जो गेन स्पीड थी वो बेटा क्या थी मतलब वी आई, टोटल हमारे पास जो स्पीड है वो क्या है उसकी बी डी है। हम क्या करेंगे उसकी टोटल उसकी वेलोसिटी में से उसकी फाइनल वेलोसिटी में से उसकी हम इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय, अब देखिए बेटा ये डिस्टेंस हमारे पास ए टू सी जितना हमने टाइम लिया या जितना हम डिस्टेंस ले रहे हैं उतना ही टाइम हम ओ टू डी तक उस बॉडी को ट्रैवल करने के लिए लेंगे। तो हम ओ ए सी को हम इक्विवेलेंट रख सकते हैं सिमिलरली, मतलब कि अगर हम रखना चाहें ए सी इज इक्वल टू ओ डी, तो हम ए सी को हम बेटा किसके इक्वल रखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ओ डी। तो हम इसमें मेंशन करेंगे कि हमारे पास इस बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है बी टू डी, वो फाइनल वेलोसिटी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी एफ के साथ। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी उसकी बेटा हम क्या मेंशन करेंगे, सी से डी तक जितना हमने डिस्टेंस ओ टू ए रखा उतना ही डिस्टेंस हम इसको यहाँ तक हम वी आई का नाम दे सकते हैं। इसी तरह बेटा जितना डिस्टेंस हमने ए टू सी रखा उतना ही डिस्टेंस हम ओ टू डी रखेंगे, मीन हमने ए टू सी जो टाइम उसका हमने टी से मेंशन किया, इस तरह ओ टू डी भी उसका जो टाइम है वो टी से हम मेंशन करेंगे, तो ओ टू डी इसका जो टाइम है वो बेटा क्या होगा, टी होगा। अब हम आते हैं अपनी इसी फार्मूला की तरफ, इसमें हम क्या बयान कर रहे हैं कि ए इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी डिवाइड बाय ओ डी। अब बी डी की बेटा वैल्यू कितनी है वाला, बी डी इज इक्वल टू वी एफ, सी डी इज इक्वल टू वी आई एंड ओ डी इज इक्वल टू टी। फिर हम देखेंगे टी अब यहाँ क्या है, डिवाइड हो रहा है, अगर मैथ का रूल है कि अगर कोई वैल्यू एक साइड पे डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई। अगर एक वैल्यू अगर एक साइड पे प्लस हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या होती है, माइनस होती है। अगर एक चीज़ अगर एक वैल्यू अगर माइनस हो रही है दूसरी तरफ उसको हम शिफ्ट करेंगे तो वो क्या होगी, प्लस होगी। तो अब टी टाइम्स का जो बेटा इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जब उसको शिफ्ट करेंगे टाइम इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई। ए टी इज इक्वल टू क्या होगा, वी एफ माइनस वी आई, फिर माइनस वी आई, माइनस वी आई को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। तो हमारे पास इक्वेशन को हम अरेंज करके लिखेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यही बेटा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूव क्या करना होता है कि फाइनल वेलोसिटी जो हमेशा जो किसके इक्वल होती है, इनिशियल वेलोसिटी उसके एक्सेलरेशन उसके टाइम के सॉल्यूशन के इक्वल, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के इक्वल। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।